engineer. Well, I believe in one God and I try not to commit sins. So my question is that, is it necessary to be a Muslim rather than to be a good individual? भाई ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि मैं मानती हूं कि खुदा है, मैं गुनाह नहीं करती हूं, कि जरूरी है कि मुसलमान बनना कि सिर्फ एक अच्छा इंसान बने काफी है? बहन, मुसलमान बनने के लिए सबसे पहला अच्छा इंसान बनना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। मैं आपको मिसाल दूंगा कि आपने कहा जैसे अच्छा इंसान बनना होता है 10th स्टैंडर्ड पास करना, मुसलमान बनना मतलब पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी। तो अगर आप पीएचडी है तो स्कूल पास पढ़ना फर्ज है, स्कूल पास करेंगे फिर आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो इस्लाम मतलब पीएचडी डॉक्टरेट, आम अच्छा इंसान मतलब स्कूल पास करना। इस्लाम के तालीमात में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। आप मीडिया पे शायद देखते होंगे कि इस्लाम में ये गलत है, इस्लाम में ये गलत है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया गलत फहमियां फैला रही है। इस्लाम की तालीमात में एक भी ऐसी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन इस्लाम में से कई तालीमात है जो इंसानियत में नहीं है। इसीलिए मुसलमान के मानी क्या, मुस्लिम मानी वो शख्स जो अपने जिंदगी को अपने खालिक, अपने बनाने वाले के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा खालिक है, जो हमारा पैदा करने वाला है, हमारे बनाने वाला है, उसकी हम इबादत करें, उसको हम शुक्रिया अदा करें, उसका शुक्रिया अदा करें और उसके मुताबिक हम जिंदगी बसर करें। मिसाल के तौर पे आप जब बीमार होती है तो आप किसके पास जाती है, किसके पास जाती है आप? डॉक्टर। किसके पास? डॉक्टर। डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज्यादा जानता है। उसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह हमारे बारे में ज्यादा जानता है। तो ये आखिरी किताब, आखिरी कलाम कुरान मजीद हमारे लिए एक पैगाम है इंसानियत के लिए, किस तरीके से अच्छा इंसान बनना, किस तरीके से सही काम करना, किस तरीके से अच्छे काम करना। तो ये आखिरी पैगाम कुरान मजीद में हमें सिखाता है अच्छा इंसान बनना। लेकिन अच्छा इंसान बनना काफी नहीं है, अच्छा इंसान बनने के अलावा हमें ईश्वर की इबादत करना चाहिए। क्योंकि इंसानियत जो हम जानते हैं वो एक हमारे तजुर्बे के जरिए हमें कुछ चीज पता चलती है, लेकिन हमारा खालिक, हमारा बनाने वाला, जिस तरीके से डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज्यादा जानता है, अल्लाह सुबहान व तआला खुदा सारे डॉक्टर से और ऊंचा है। वो जानता है क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे बुरा है। मिसाल के तौर पे इंसानियत के लिहाज से शराब पीना बुरा नहीं है। शराब पीना इंसानियत के लिहाज से बुरा नहीं, लेकिन इस्लाम के मुताबिक सूरह मायदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरु मोस्टर्डलिंग टॉक्सिकनल गैम्बलिंग वल अंजाब वल असलामु, जुआ खेलना और फांसे फेंकना और शराब पीना, रिश्त मन मिली शैतान, ये शैतान के हटकंडे, फर्स्ट निबुलकुम तो फ्लून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। यहां हमें हिदायत मिल रही है कि शराब मत पियो। आज की तहकीक ये कहती है कि शराब पीने से सबसे ज्यादा मौत होते, जो चीज खाने में सबसे ज्यादा मौत इंसान को देती है वो नंबर 1 है शराब। हर साल करोड़ों लोग मर रहे सिर्फ शराब पीने की वजह से। आज की तहकीक कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं अक्सर 80% से ज्यादा जो बलात्कार करता है या जिसपे बलात्कार होता है या दोनों शराब की हालत में होते। तो शराब पीने से बलात्कार बढ़ता है, जिना बिल जबर बढ़ता है। शराब पीने से मैं तकरीर कर सकता हूं, तो ये आपको इंसानियत में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं
कि इस्लाम मुस्लिम इंसानियत से ऊंचा है और ऐसी कोई बात नहीं इस्लाम में जो इंसानियत के खिलाफ है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि सिर्फ स्टैंडर्ड 10 पास करना अच्छा है क्या पीएचडी करना अच्छा है? पीएचडी। तो इसलिए सिर्फ आम इंसान बनना अच्छा है क्या अच्छा मुसलमान बनना अच्छा है? आम इंसान, एक अच्छा इंसान बनना सिर्फ अच्छा है कि एक अच्छा मुसलमान बनना और अच्छा है? अच्छा इंसान बनना मोर, अच्छा इंसान अच्छी बात है, स्टैंडर्ड 10 पास करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, लेकिन मैंने पूछा स्टैंडर्ड 10 बेहतर है कि पीएचडी? तो आपने कहा स्टैंडर्ड 10 पास करने के बाद ही तो पीएचडी कर पास। बिल्कुल सही। तो अच्छा इंसान बनने के बाद ही मुसलमान बन सकते, अगर आप अच्छे इंसान है तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप अच्छे इंसान तो है, आप मुसलमान बनना चाहेंगे? हाँ। आप एक एक खुदा में मानते? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा ईश्वर अल्लाह एक है? यस। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? आप मानते बुत परस्ती गलत है? या। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ईश्वर उस अल्लाह के पैगंबर है? यस यस। आप मानते माशाल्लाह। तो आप अच्छे इंसान तो है, मैं चाहूंगा आप अच्छे मुसलमान बने। आप जब मानते एक खुदा में, आप मानते कि बुत परस्ती गलत है, आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, तो मेरे नजदीक आप मुस्लिम है। आप मुस्लिम बनना चाहोगे? या आई एम स्टडिंग इस्लाम। आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे? आप मानते कि खुदा एक है? आप मानते बुत परस्ती गलत है? आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है? तो आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे आज? नो, आई एम स्टडिंग इस्लाम राइट नाउ। तो आप चाहते हैं कि इस्लाम के बारे में और तहकीक करना चाहते? या, और आई हैव टू स्टडी मोर। इंशाल्लाह, तो आप तहकीक कीजिए। मैं दरख्वास्त करूंगा खवातीन के शोबे से कि कौन इस बहन को कुरान मजीद का तर्जुमा दे। आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाअल्लाह आप इससे हिदायत पाएंगे। और जब आपका दिल ये कहेगा कि ये सबसे बेहतरीन मजहब है, जब आपका दिल कबूल करेगा कि ये मजहब कबूल करने से आप और बेहतरीन इंसान बनेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं चाहूंगा कि आप मुस्लिम बने और अल्लाह आपको हिदायत दे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।